नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ओपेन के द्वारा राजस्थान के अंदर किया गया जलवायु वर्गीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक से चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे हाईकोर्ट LDC हो, या फिर RPSC का कोई भी एग्जाम हो, या पुलिस मुख्यालय का राजस्थान कॉन्स्टेबल का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन चर्चा करेंगे इस वाले एक वीडियो के अंदर कोपेन का जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार से राजस्थान के अंदर किया जाता है। उससे पहले आपको कुछ जो है वह अक्षरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपने ABCD अभी तक पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ की जो ABCD है वो थोड़ी सी अलग है। जो कोपेन ने ABCD बताई है वो यह आपको जो इस ग्लोब के अंदर पृथ्वी दिखाई दे रही है, इस पृथ्वी को कोपेन ने अलग अलग भागों के अंदर बांटा और उसके अलग अलग जो है वह संकेतक दिए थे। यानी कि कोपेन के द्वारा अलग अलग संकेतकों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया गया था। देखिए, कोपेन के द्वारा दिए गए प्रमुख जो संकेतक है उनकी अपन बात करेंगे इसमें। संकेतक कैसे? देखिए, कोपेन ने क्या किया कि यह आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को अलग अलग भागों के अंदर बांटा। जैसे कि यह सबसे बीच में से जो जाने वाली रेखा है इसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर विषुवत रेखा। इस रेखा के उत्तर के अंदर अगर अपन चलते हैं तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है जिसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, और इसी के ही दक्षिण के अंदर भी 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश से जिसको अपन मकर रेखा बोलते हैं, इसके मध्य का जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है इस क्षेत्र को कोपेन ने ए नाम देते हैं। अभी तक आपने ABCD के हिसाब से ए फॉर एप्पल पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको ए फॉर पढ़ना है उष्ण कटिबंध। ए फॉर पढ़ना है उष्ण कटिबंध, यानी कि उष्ण कटिबंध के अंदर आने वाला जो क्षेत्र है उसके लिए कोपेन ने ए नाम दिया है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि बी फॉर बोई होता है, लेकिन यहां पर बी फॉर बोई नहीं होगा। कोपेन ने इस बी फॉर बोई को दो भागों के अंदर बांटा है। इसने कहा है कि ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंदर जो जलवायु है, या फिर जो क्षेत्र विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार का है, उसके लिए मैं बी का प्रयोग करूंगा। बी फॉर बोई नहीं, बी फॉर होता है शुष्क या फिर अर्ध शुष्क। अब शुष्क या अर्ध शुष्क की अगर अपन बात करें तो इस बी के अंदर एक कैपिटल W और एक कैपिटल S, इन दो संकेतकों को लिया जाता है, जिसमें ये कैपिटल W कहता है कि जो शुष्क प्रकार का क्षेत्र है उसके लिए कैपिटल W का प्रयोग होगा, और जो अर्ध शुष्क प्रकार का क्षेत्र है उसके लिए कैपिटल S का प्रयोग होगा, कैपिटल S का। अब उसने इस दोनों क्षेत्रों को भी आगे दो भागों के अंदर और बांट दिया। कोपेन ने कहा कि ऐसा शुष्क, चूंकि शुष्क लद्दाख वाला भी क्षेत्र एक शुष्क क्षेत्र है और राजस्थान का भी क्षेत्र शुष्क है, पश्चिमी राजस्थान का, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एक ही अंतर है कि वहां का जो शुष्क है वह ठंडा वाला शुष्क है और यहाँ का जो शुष्क है वह गर्म वाला शुष्क है। तो इसी वजह से कोपेन ने इस शुष्क और अर्ध शुष्क को भी दो भागों के अंदर बांट दिया। यानी कि इसने स्मॉल एच के अंदर बांटा कि जो आपका उष्ण यानी कि गर्म प्रकार का हो, इसको उष्ण की बजाय आप अगर गर्म याद रखेंगे तो ज्यादा ठीक है। यानी कि ऐसा शुष्क क्षेत्र जो कि गर्म है उसको स्मॉल एच से प्रदर्शित करेंगे, और ऐसा शुष्क क्षेत्र जो कि आपका ठंडा है उसको स्मॉल के से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी स्मॉल एच और स्मॉल के लिए जाते हैं, जिसमें अर्ध शुष्क अगर गर्म है तो स्मॉल एच, और अगर ठंडा है तो स्मॉल के। ये हो जाता है आपका बी संकेतक। अगला आता है सी संकेतक। अभी तक आपने सी फोर केट पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको पढ़ना है कि इसको ही अगर अपन इस ग्लोब को आगे अक्षांशीय जो विस्तार है इसका उसके हिसाब से बांटते हैं, तो यहां पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इधर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह गुजरते हैं इस कर्क और मकर रेखा के ऊपर से। अब इसके अंदर इस क्षेत्र, चूंकि यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है यह उष्ण प्रकार का है और यह जो है ये आपका शीत प्रकार का है, यहाँ पर आपका उत्तरी अक्षांश आता है और यहाँ पर आपका दक्षिणी अक्षांश आता है।
यह शीत कटिबंध है, यह उष्ण कटिबंध है, चूंकि यह इन दोनों के बीच का क्षेत्र है इसीलिए यह शीत और उष्ण कर्मधारय समास वाला जो शीत है जो उष्ण है, यानी कि यह बन जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। और इस शीतोष्ण कटिबंध में वह क्षेत्र जो कि इस कर्क रेखा के निकट है या फिर उष्ण कटिबंध के निकट है उसको कैपिटल सी से जो है वह प्रदर्शित करता है कोपेन, यानी कि इसका जो मतलब है वह है आपका शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन शीतोष्ण कौन सा वाला, जो कि उष्ण के पास है, उष्ण के पास स्थित है। इसी प्रकार से एक आता है आपका डी, अभी तक आपने डी फॉर डॉग पढ़ा होगा, लेकिन कोपेन डी मानता है इसको कि ऐसा शीतोष्ण कटिबंध जो कि इस शीत कटिबंध के पास में है उसको कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है कोपेन के द्वारा। तो इस कैपिटल डी का मतलब हो जाएगा कटिबंध तो है आपका शीतोष्ण, लेकिन वह कटिबंध है किसके पास में, तो वह शीत कटिबंध के पास स्थित है। यह तो हो गई आपके डी तक, और ई जो है यह अपने राजस्थान में काम नहीं आएगा, लेकिन डी ई का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जो कि आपका शीत कटिबंध के अंदर आता है, यानी कि इसको कहा था उसने ई, ठीक है ना। यह मुख्य रूप से आपको तो ए से लेकर डी तक ही राजस्थान के कोपेन वर्गीकरण के अंदर काम में आने वाले हैं। अब इसमें थोड़े से और आपको अतिरिक्त, अभी तक बड़ी एबीसीडी सीख ली, स्कूल के अंदर जब जाते हैं तो सबसे पहले बड़ी एबीसीडी सिखाते हैं, फिर छोटी एबीसीडी, फिर रिकर्सिव राइटिंग और वो सिखाते हैं। तो आपको बड़ी एबीसीडी सीख ली, अब अपने को सीखना है छोटी एबीसीडी। तो कोपेन ने छोटी एबीसीडी के अंतर्गत भी संकेतक रखे हैं, जैसे कि कोपेन ने स्मॉल डब्ल्यू रखा है, जैसे कि कोपेन ने स्मॉल एम रखा है, जैसे कि कोपेन ने स्मॉल एस रखा है, जैसे कि कोपेन ने स्मॉल जी रखा है, जैसे कि कोपेन ने स्मॉल एफ रखा है। ये आपको पांच और याद कर लेने, राजस्थान में स्मॉल एफ का काम नहीं पड़ता है। इसका मतलब होता है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है डब्ल्यू फॉर विंटर, और विंटर यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर विंटर ड्राई रहती हो, यानी कि सर्दियां जो है वह शुष्क रहती हो, सर्दियों में वर्षा नहीं होती हो, वह इसका मतलब होता है। यानी कि स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है सर्दी जो है यहाँ की शुष्क रहती है, विंटर जो है वह ड्राई रहती है। स्मॉल एम का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर मानसूनी प्रकार की जो है वह जलवायु मिलती हो, या जहां पर मानसून की वजह से वर्षा होती हो, वह आता है स्मॉल एम के अंदर। स्मॉल एस का मतलब होता है एस फॉर समर, यानी कि यहां पर जो गर्मी है, जो समर है वह ड्राई होती है, गर्मी जो है वह शुष्क होती है। स्मॉल जी, जी फोर होता है गंगेटिक प्लेन, यानी कि गंगा जो आपकी नदी है उसके आसपास का जो बेसिन है या गंगा तुल्य जो जलवायु है उसके लिए लिखा जाता है स्मॉल जी, यानी कि इसका मतलब होता है गंगा तुल्य जलवायु, गंगा तुल्य जलवायु यह इसमें आती है। और स्मॉल एफ का मतलब होता है फुल ऑफ रेन, यानी कि अत्यधिक वर्षा। वैसे ये अपने राजस्थान में काम आने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसके अंदर एफ काम में आता है। अब अपने को देखिए राजस्थान के लिए अब आपको क्या क्या याद रखना है, राजस्थान के लिए आपको याद रखना है ए का मतलब है उष्ण कटिबंध वाली जलवायु, बी का मतलब है शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की, सी का मतलब है शीतोष्ण कटिबंध जो कि आपका किसके निकट है, उष्ण के निकट है, डी का मतलब है शीतोष्ण कटिबंध जो शीत के निकट है। यह चार काम में आएंगे राजस्थान में, और इधर से हॉट और कोल्ड आपको याद रखने हैं। इसमें से आपके स्मॉल डब्ल्यू और आपके विशेष रूप से तो ये और आपका एस जो है यही काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब अपन चलते हैं थोड़ा सा इसमें आगे। यह आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर यहां से राजस्थान के दक्षिण से इस जगह से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है यहां से आपके एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब बात को गौर से समझना है आपको, सबसे पहले इसी को ही समाप्त करेंगे। देखिए इसको अगर देखा जाए तो ये क्या है, कर्क रेखा है, यानी कि राजस्थान जो है उसकी स्थिति इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से है। अब राजस्थान ऐसे है तो राजस्थान का दक्षिण वाला जो पार्ट है वो तो किस में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिण वाला पार्ट उष्ण कटिबंध आता है और कर्क रेखा के उत्तर वाला पूरा का पूरा सी में आएगा। तो राजस्थान में इनमें से दो ही संकेतक काम में आएंगे, एक तो आता है ए और एक आता है सी।
तो ए किसके लिए आएगा, जो कर्क रेखा के दक्षिण वाला पार्ट है, यानी कि यहां से कर्क रेखा के जो नीचे वाला पार्ट है उसके लिए काम में आता है ए। अब राजस्थान में क्या सर्दियों में वर्षा होती है? केवल कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु है वहां पर सर्दियों के अंदर वर्षा होती है, इस पार्ट के अंदर सर्दियों में वर्षा नहीं होती है, यानी कि यहाँ की जो विंटर है वह ड्राई रहती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे विंटर ड्राई के लिए जो है वह सर्दी शुष्क है, तो उसके लिए स्मॉल डब्ल्यू का काम में आता है, तो यानी कि ए और स्मॉल डब्ल्यू। ए डब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है यह दक्षिणी राजस्थान की आ जाती है, चूंकि अब यह कर्क रेखा तो यहीं से ही गुजर रही है, लेकिन ये जो जलवायु है इसका विस्तार राजस्थान के इतने सारे जिलों के अंदर मिलता है। मुख्य रूप से आप यहां से अगर इनको पकड़ लेते हैं तो इसके दक्षिण वाला जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान में कौन सी प्रकार की जलवायु मिलती है? ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु मिलती है। इसका मतलब है उष्ण कटिबंध में है, और दूसरा मतलब है कि विंटर यहाँ का ड्राई है। ये हो जाती है आपके राजस्थान में ए डब्ल्यू। इसकी खास बात क्या है कि कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण के हिसाब से, यह कोपेन के द्वारा किए गए वर्गीकरण के हिसाब से सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश जो है वह यह आता है, कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था उसके हिसाब से। और इसका जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट जो है वह इसका डूंगरपुर जो है, इसको माना जाता है इसका सेंटर पॉइंट। इसके बाद में अगला देखिए, अगले की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर विशेष रूप से आपका जैसलमेर, थोड़ा सा जोधपुर, बीकानेर और आपका हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, एक पार्ट तो आता है आपका यह। दूसरा पार्ट जो है वह इसके अंदर आता है आपका, जिसमें बाड़मेर, जालौर, सिरोही और मुख्य रूप से राजसमंद, इनके थोड़े थोड़े पार्ट आते हैं, और सीकर, झुंझुनू वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट आता है। यह पार्ट जो है वह राजस्थान के अंदर शुष्क प्रकार का है, और यह पार्ट जो है वह राजस्थान के अंदर अर्ध शुष्क प्रकार का है। अब देखिए कोपेन जो है उसने शुष्क और अर्ध शुष्क के लिए जो वर्गीकरण किया है वह किया है बी, यानी कि पहले तो आपको बी का ही प्रयोग करना है, इधर भी बी आएगा और इधर भी बी ही आएगा, शुष्क हो चाहे अर्ध शुष्क हो, दोनों के लिए। अब देखिए अगर वह शुष्क है तो उसके लिए कैपिटल डब्ल्यू, और वह अगर अर्ध शुष्क है तो उसके लिए कैपिटल एस का यूज किया जाता है। तो यह शुष्क है तो इसके लिए कैपिटल डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे, और यह अर्ध शुष्क है इसके लिए कैपिटल एस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए राजस्थान का चाहे शुष्क हो चाहे अर्ध शुष्क हो, दोनों ही राजस्थान का कैसा है? गर्म है भाई, यहाँ पे बर्फबारी तो होती नहीं है, लद्दाख तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर किस प्रकार का है, शुष्क या अर्ध शुष्क? गर्म है, यानी कि स्मॉल एच का प्रयोग होगा इसके बाद में, यानी कि यहां पर जो है वह आ जाएगा स्मॉल एच, बी डब्ल्यू एच, इधर भी बी डब्ल्यू एच। अब राजस्थान के अंदर सर्दियों जो है वह शुष्क रहती है, विंटर जो है वह ड्राई रहती है, और विंटर ड्राई के लिए वही स्मॉल डब्ल्यू जो है यह प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर भी आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू और यहां पर भी आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि राजस्थान के शुष्क प्रदेश के लिए है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, और अर्ध शुष्क के लिए है बी एस एच डब्ल्यू। ये जो बी एस एच डब्ल्यू है यह कोपेन के द्वारा किए गए वर्गीकरण में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश आता है। इस बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का सेंटर पॉइंट जो है वह बीकानेर जिला आता है, जबकि बी एस एच डब्ल्यू का सेंटर पॉइंट नागौर जिला आता है। समझ गए बात को? इसके बाद में अगला आपके विभाजन के लिए देखिए, ये वापिस यहां पर आइए, राजस्थान का यह वाला जो पार्ट है, यह वाला, यह पूरा का पूरा किस में आता है? सी के लिए आता है, क्योंकि यह कर्क रेखा के जस्ट उत्तर में है, तो इसीलिए राजस्थान के इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले प्रयोग करेंगे हम सी का, तो यहां पर जो है वह आ जाएगा आपका सी। अब राजस्थान के लिए वापिस वही कि यहां पर जो सर्दियां हैं वह शुष्क रहती है, विंटर जो है वह ड्राई रहती है, तो यहां पर स्मॉल डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे। और यहां से प्रमुख रूप से चंबल नदी, बाणगंगा नदी, गंभीर नदी जाती है, जो यमुना की सहायक और यमुना गंगा में मिलती है, यानी कि गंगा जो नदी है उसी के बेसिन का विस्तार यहां तक है राजस्थान में, यानी कि गंगा के तुल्य जो जलवायु है वह राजस्थान के इस क्षेत्र में मिलती है, और गंगा तुल्य जलवायु के लिए स्मॉल जी का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर आ जाएगा आपका स्मॉल जी, यानी कि सी डब्ल्यू जी। इस प्रकार की जलवायु जो है यह राजस्थान के यहां पर आ जाती है, और इसका सेंटर पॉइंट जो है वह टोंक जिला आता है।
तो यह राजस्थान की हो जाएगी CWG प्रकार की जलवायु। यह राजस्थान के अंदर कोपेन का वर्गीकरण है। अगर आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में उत्तरतम जो जलवायु वर्ग आपका इसका जलवायु प्रदेश कौन सा है कोपेन का, तो यह तो आ जाता है आपका उत्तरी BWHW। सबसे बड़ा कौन सा है, BSHW है। दूसरी चीज, सबसे दक्षिण में कौन सा है या दक्षिणी राजस्थान का कौन सा है, AW। सबसे छोटा कौन सा है, AW है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर अगर आपको पूछा जाता है कि कोपेन ने कितने प्रकार के जलवायु प्रदेश में बांटा है, तो टोटल कितने हैं, चार हैं, BWHW, BSHW, CWG और AW। यह विशेष रूप से इसका वर्गीकरण आता है। अभी अपने को थोड़ा सा और आगे बढ़ना है और यहां पर आपके सामने ये मैप दिखाई दे रहा होगा, इसमें बिल्कुल कलर के साथ में है, जो लाल कलर वाले हैं वो सारे के सारे हैं कौन से, BWHW वाले। जो आपके सामने सारे के सारे इस आपके केसरिया कलर में है, ये सारे के सारे हैं BSHW। और जो आपका येलो कलर में है, ये CWG है। और जो सबसे दक्षिण में है, यह है AW। देखिए, अगर आपको पूछा जाता है कि BWHW के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें जैसलमेर आता है, इसमें जोधपुर का थोड़ा सा पार्ट आता है, इसमें बीकानेर का थोड़ा सा पार्ट आता है, इसमें चूरू का थोड़ा सा पार्ट आता है, इसमें श्री गंगानगर आता है, इसमें हनुमानगढ़ आता है। यह इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आते हैं। अगर आपको BWHW में पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो इसमें जैसे बाड़मेर है, इसमें जैसे जालोर है, इसमें सिरोही का पार्ट है, इसमें पाली है, इसमें जोधपुर का भी पार्ट आता है, इसमें नागौर का पार्ट आता है, इसमें चूरू भी कॉमन आता है, इसमें झुंझुनू आता है, इसमें आता है, इसमें जयपुर का पार्ट आता है, इसमें अजमेर का आता है, भीलवाड़ा का आता है, राजसमंद का आता है, इतने सारे जिले जो है वह इसमें आते हैं। और इसका जो सेंटर है वह कौन सा है आपका, नागौर इसका सेंटर है। इसका सेंटर जो है वह कौन सा है, इसका सेंटर है आपका बीकानेर। उसके बाद में अगला देखिए, इधर आपका CWG अगर पूछे तो इसमें जैसे अलवर जिला है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा का थोड़ा सा पार्ट आता है, बारा का भी आता है, बूंदी का भी आता है, इसके अलावा इसमें टोंक का पार्ट आता है, जयपुर का थोड़ा सा जो कॉमन है, दौसा इसमें आता है, इसमें अजमेर का भी थोड़ा सा पार्ट आता है, आधा अजमेर आता है BSHW में, आधा आता है CWG में, भीलवाड़ा का भी आधा आधा पार्ट आता है, आधा इसमें आधा इसमें, चित्तौड़गढ़ का आता है, राजसमंद का थोड़ा सा पार्ट आता है। ये कॉमन वाले हैं, ये आपको डिस्ट्रिक्ट इसमें कभी नहीं पूछते हैं, आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे। और दक्षिण के अंदर भी देख लीजिए, ये उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यह विशेष रूप से जो है वह इसके अंतर्गत आते हैं। यह आपको इसमें ध्यान रखना है। इधर से आपके झालावाड़ हुआ और बारा का थोड़ा बहुत पार्ट आता है। अब इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वह आप लोगों को यहां पर लिख लेना है। जैसे कि कोपेन ने जो वर्गीकरण किया उसमें उत्तरी जो राजस्थान है, उस उत्तरी राजस्थान की लिए जो किस प्रकार का जलवायु प्रदेश है, तो उत्तर के लिए है BWHW, ठीक है। इसी प्रकार से दक्षिणी राजस्थान के लिए, दक्षिणी राजस्थान के लिए किस प्रकार की जलवायु प्रदेश है, तो वह है आपका AW। इसी प्रकार से अगर आपको पूछे पूर्वी राजस्थान के लिए कौन सा है, पूर्वी राजस्थान, इसके लिए है आपका CWD प्रकार की। इसी प्रकार से आपको अगर पूछी जाए कि पश्चिमी राजस्थान के लिए, पश्चिम के लिए जो उत्तर में है वही आ जाती है, यानी कि BWHW यह आ जाती है पश्चिम राजस्थान की। उसके बाद में अगला फैक्ट आपको पूछा जा सकता है कि कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है उसके अंदर सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है यह कौन सा है, तो सबसे बड़ा आता है आपका BSHW। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का सबसे छोटा जो जलवायु प्रदेश है वह कोपेन ने कौन सा बांटा है, तो सबसे छोटा जो है वह आता है आपका AW। यह कोपेन के द्वारा विशेष रूप से जो है वह क्वेश्चन बन सकते हैं। और कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा है, कोपेन के द्वारा चार जलवायु प्रदेश टोटल चार जलवायु प्रदेश जो है वह
कोपेन ने बांटे हैं। तो यह आपके कोपेन का वर्गीकरण है, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के लिए आपको पृथ्वी का जो वर्गीकरण है थोड़ा सा उसका ज्ञान होना चाहिए कि उष्ण के लिए ए आता है, बी जो है वह शुष्क अर्ध शुष्क के लिए आता है, उसमें भी बी में भी अगर कैपिटल बी के अंदर कैपिटल डब्ल्यू है तो वह शुष्क के लिए आता है, और कैपिटल एस है इसको सेमी एरिड से याद रख लेना, एस फॉर सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों ही गर्म के लिए एच स्मॉल और ठंडे के लिए स्मॉल के का प्रयोग होता है। उसके बाद में सी जो है वह शीतोष्ण कटिबंध में जो उष्ण के पास वाला भाग है उसके लिए आता है, डी जो है कैपिटल में वह शीतोष्ण कटिबंध में शीत के पास वाला जो भाग है उसके लिए आता है, ई जो है वह शीत कटिबंध के लिए आता है। इसी प्रकार से कोपेन ने छोटे वाली एबीसीडी के अंदर भी कुछ संकेतक दिए हैं, जैसे कि स्मॉल डब्ल्यू जो है वह विंटर ड्राई यानी सर्दी शुष्क के लिए है, स्मॉल एम जो है वह मानसूनी प्रकार की जलवायु के लिए है, स्मॉल एस जो है वह गर्मी जो है वह वहां पर अगर शुष्क है अगर समर ड्राई है तो उसके लिए है, स्मॉल जी जो है वह गंगा तुल्य जलवायु गैंगेटिक प्लेन जो है उसके इक्वल अगर वहाँ की क्लाइमेट है तो उसके लिए स्मॉल जी है, स्मॉल एफ राजस्थान में काम में नहीं आता है, यह फुल ऑफ रेन अत्यधिक वर्षा के लिए है। उसके बाद में अपन ने राजस्थान का यह वर्गीकरण देखा किस प्रकार से कोपेन ने राजस्थान को चार भागों में बांटा है, जिसमें BWHW का केंद्र बीकानेर है, BSSW का केंद्र नागौर है, CWG का केंद्र टोंक है और AW का केंद्र डूंगरपुर जो है वह इसके अंतर्गत आता है। यह राजस्थान का विशेष रूप से वर्गीकरण है। उसके बाद में यह कोपेन के द्वारा बांटे गए वर्गीकरण के अंतर्गत यह आपके चार जो है वह प्रदेश आते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के इस प्रकार से। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे उत्तरी राजस्थान के लिए BWHW, दक्षिण के लिए AW, पूर्व के लिए CWG, पश्चिम के लिए BWHW। उसके बाद में राजस्थान के अंदर कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, BSHW है, सबसे छोटा कौन सा है, AW प्रकार का आता है। यह विशेष रूप से आपके लिए जितने क्वेश्चन कोपेन के राजस्थान में जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है उसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वह इस आपके टॉपिक से बन सकते हैं। तो यह आपके लिए सभी एग्जाम के लिए, चाहे वह है अध्यापक लेवल वन लेवल टू हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और अदर जो भी LDC जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।